please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification while I upload a new video. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। सबसे पहला जो न्यूज है वो उबेर की तरफ से। उबेर ने अपना एक नया सर्विस चालू करने जा रहा है जिसका नाम दिया गया है उबेर हेल्थ। उबेर हेल्थ में आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और आपका जो मंथली और क्वार्टरली और ईयरली जो डॉक्टर दिखाने का जो टाइमिंग है उसे आप सेट कर सकते हैं और उबेर उस टाइम पे आपको एक कैब भेज देगी। तो एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है उबेर की तरफ से, आप इसका मजा उठा सकते हैं। अगला अपडेट है एप्पल का एक नया पेटेंट के लिए। एप्पल ने अपना कुछ नया पेटेंट करने के लिए दिया है जहाँ पे एप्पल का कहना है कि एप्पल मैकबुक में जो आपका कीबोर्ड रहता है ना उसे उठाने जा रहा है। मतलब आपके लैपटॉप में अगले आने वाले एप्पल मैकबुक में आपको एक कीबोर्ड नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक ओलिड डिस्प्ले दिया जा रहा है और उसे आप अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। मतलब आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए, आपका नंबर की चाहिए या नहीं चाहिए, वैसे आप चेंज कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा थिंकिंग है, तो देखते हैं कब तक मार्केट में लाता है एप्पल ने। अगला अपडेट आता है हायर का एक प्रोजेक्शन वॉच की तरफ से। हायर ने एक नया वॉच को शोकेस किया जहां पे आपको एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है वॉच के अंदर और उसे आप अपने स्किन के ऊपर फ्लैश कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। मतलब जो डिस्प्ले है वॉच का उसे बड़ा कर पाएंगे और उसे आप अपने स्किन के ऊपर ही प्लेस करके उसे बड़ा कर पाएंगे। तो देखते हैं ये कब तक हायर मार्केट में लाता है और इसका प्राइस भी कितना रखता है हायर ने। अगला अपडेट है एंड्रॉयड पी के लिए। एंड्रॉयड पी जो गूगल का अगला एंड्रॉयड होने वाला है वहीं पे आपको एक नेटिव आईडी स्कैनर दिया जाएगा। मतलब आगे आने वाले सारे डिवाइस पे आपको आईडी स्कैनर देखने को मिलेगी। जैसे अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर हर एक डिवाइस पे मिलता है, ऐसे ही आगे आने वाले सारे डिवाइस पे आपको आईडी स्कैनर देखने को मिल सकती है। अगला अपडेट है Redmi Note 5 और Note 5 Pro के बारे में। जिन लोगों को Redmi Note 5 और Note 5 Pro बुकिंग नहीं हो पा रहा था, मतलब जिन लोगों ने खरीद नहीं पा रहे थे, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। अब Redmi Note 5 और Note 5 Pro मार्केट में मतलब ऑफलाइन में मिलना शुरू हो गया है। आपको बस 500 रुपीस ज़्यादा पेमेंट करना है और आप उठा सकते हैं Redmi Note 5 और Note 5 Pro। पर ये कुछ सिलेक्टेड स्टोर में मिलने वाला है, तो आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे मिल रहा है Redmi Note 5 और Note 5 Pro ऑफलाइन मार्केट में। उसके बाद अगला जो अपडेट है Xiaomi का एक माउस की तरफ से। Xiaomi ने एक नया माउस निकल दिया है जहां पे आपको मिलती है फिंगरप्रिंट स्कैनर। हाँ दोस्तों, अभी Xiaomi के माउस में आपको दिया जा रहा है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसका प्राइस लगभग 2000 रुपीस इंडियन मार्केट में है। हालांकि इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो देखते हैं Xiaomi कब तक इंडिया में लॉन्च होता है। Xiaomi का जो ये माउस आ रहा है इसमें आपका पासवर्ड मैनेजिंग का जो सिस्टम है वो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अभी आप अगर पेटीएम पे लॉगिन करेंगे, आप अपने डेस्कटॉप पे पेटीएम खोल लिए, उसके बाद माउस के फिंगरप्रिंट पे अपना फिंगर रखेंगे और वो डिटेक्ट कर लेगा आईडी और पासवर्ड। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है हर एक साइट के लिए हर एक आईडी पासवर्ड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं कब तक इंडिया में लॉन्च होता है। उसके बाद और एक न्यूज़ Xiaomi की तरफ से। Xiaomi Mi TV 4 जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था उसका दो और वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये कहा जा रहा है इसका प्राइस और भी कम होने वाला है पिछला जो मॉडल था। तो देखते हैं कितने प्राइस में Xiaomi ये टीवी लॉन्च करती है। अगला अपडेट है Samsung S9 के कैमरा के बारे में। Samsung S9 का कैमरा बीट कर दिया है Google Pixel 2 को। हाँ दोस्तों, जो कैमरा का DxO मार्क होता है वहीं पे Samsung S9 Plus ने बीट कर दिया Google Pixel 2 को। Samsung S9 Plus का DxO मार्क आया है 99 और जहां Google Pixel 2 पहले से ही था 98 पे, तो सबसे बढ़िया कैमरा मोबाइल पे Samsung S9 Plus पे ही आपको मिलेगी। अगला अपडेट है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से WD। WD ने एक 400GB का माइक्रो SD शोकेस किया है MWC 2018 में। हाँ दोस्तों, WD अपना जो सैंडिक्स ब्रांड है 400GB का माइक्रो SD कार्ड मार्केट में लाने वाला है। तो अगर आपके पास मतलब आपके 400GB सपोर्ट करता है तो आप इस माइक्रो SD कार्ड को खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस कितना होगा अभी तक नहीं बताया गया है। नहीं तो आप मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हर रोज एक नया वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। सो थैंक यू दोस्तों, बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन व्हाइल आई अपलोड अ न्यू वीडियो।